बात है इसकी खास बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी, इसका गुड लक तगड़ा है और किस्मत का है बड़ा ये धनी। लकी मैन, लकी मैन, इसका नसीब है सबसे बेमिसाल, ये है तकदीर का राजा। असल में डोरियोको मैन के स्लीपर्स स्टील के नहीं बल्कि पनीर के बने थे। क्या बात कर रहे हो? 150 साल से भी पहले डोरियोको मैन मिला अपने टीचर से, जो यहाँ नहीं रहते थे बल्कि बहुत दूर स्टील नाम के ग्रह पर रहते थे। उनकी देखरेख में डोरियोको मैन ने पूरे 150 साल बिताए और सीखा स्टील स्लिपर बनाने का असली राज। 1000 से भी ज्यादा पनीर के ब्लॉक से बनाए गए ये मजबूत स्लिपर्स, लेकिन बदकिस्मती से ये पावर मैन और हार्ड मैन के सामने नहीं टिक पाए। पावर मैन और हार्ड मैन बेरहमी से विक्ट्री मैन पर हमला कर रहे थे, जिसे देखकर डोरियोको मैन का दिल पिघल गया और उसने विक्ट्री मैन का साथ देने का फैसला कर लिया। तुम सच में बहुत लापरवाह हो। किसी भी लड़ाई में हमें एक सही रणनीति बनानी पड़ती है और हमें तुम्हारे इन स्लिपर्स का भी खास ख्याल रखना पड़ेगा। अब देखना भैया कि मैं क्या करता हूँ। डोरियोको, मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। देखना, हम ही जीतेंगे। मैं आज बहुत लकी हूँ, या नहीं? विक्ट्री पंच! तुम्हारी ये हिम्मत! और दम लगाओ। डोरियोको, क्या तुम तैयार हो? हाँ भैया। चलो फिर, ये लो। अरे वाह, मजा आ गया। दोनों तो लगातार पंच और किक लगाते जा रहे हैं। ऐसी लड़ाई मैं पहली बार देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये सब ये क्यों कर रहे हैं, सिर्फ मशहूर होने के लिए। डोरियोको मैन की किक और विक्ट्री मैन का पंच इतनी तेज लगेंगे, मुझे नहीं पता था ये इतने ताकतवर हैं। अब तुम नहीं बचोगे। हे डोरियोको, डबल अटैक! जरूर पंच! चमकर धुनाई करो। क्या हो रहा भाई? इतना बढ़िया है, देखो तो। भैया कितना बढ़िया पंच मारा। आखिरकार दोनों ने कमाल कर दिया, विक्ट्री मैन और डोरियोको मैन की डबल पंच। इन दोनों ने उस कहावत को सच कर दिया कि एकता में ही शक्ति है। सही कहा ना दोस्तों? ये मैं तो जीत गया। अरे वाह, मजा आ गया। यहाँ से बैठकर देखना तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे भी। ये इतनी बड़ी बात तो नहीं है। तुम्हारे किक्स और पंचेस बहुत अच्छे थे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, तुमने हमें हरा दिया? हार्ड मैन, तैयार हो? हाँ पावर मैन, मैं तैयार हूँ। लगता है इस बार हमें अपनी असली ताकत दिखानी ही पड़ेगी। ये
बार्डमैन का सबसे स्पेशल हथियार है। इस हथियार से आज तक कोई नहीं बच सका, तो तुम भी नहीं बच पाओगे। मुकाबला और भी मजेदार होता जा रहा है, न जाने अब क्या होगा। मुझे तो लगता है डार्क फील्ड डांस ये है क्या। ये वक्त है अब मेरे आराम करने का। काम के समय आराम नहीं, थोड़ा बहुत तो चलता है। सावधान दोस्तों। भैया ये क्या हो गया। अभी अभी जो हुआ है उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। मेरी तो गर्दन अकड़ गई। मुझे तो घबराहट हो रही है। अभी से इतना घबरा रहे हो, ये तो सिर्फ मुकाबले की शुरुआत है। मैं क्या करूं? ये लोग तो हारने वाले हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, हमारे इस बार से हमारा कोई भी दुश्मन आज तक नहीं बच पाया है। तो फिर तुम्हारी फौलादी चप्पलें क्या चीज है, क्या कहते हो? आखिर ये करना क्या चाहता है? मुझे क्या पता। भैया तैयार? अरे नहीं, मैं इस मुकाबले को और नहीं देख सकता। डॉक्यूमेंट संभाल के। डोरियो तुम ठीक तो हो? ये क्या? हाँ भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छे, मजा आ गया। ये चाल मुझे पहले से ही पता थी। ये हुई ना मेरे दोस्त वाली बात। इसमें तुम्हारे दोस्त होने वाली बात क्या है? मेरा मतलब ये भी मेरे जितना बहादुर है। वो देखो। ध्यान से भैया। बहुत अच्छे डोरियो कुमार। हाँ तुम दोनों ने काफी अच्छी कोशिश की। भैया तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। विक्ट्री मैन इस हालत में भी लड़े जा रहे हो। क्या कहा? और डोरियो कुमार तुम्हारा तुम्हारे भाई के लिए प्यार देखकर मेरा दिल भर आया है। मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा। मेरी डोरियो को फायर बढ़ती ही जा रही है। तो आइए हम जानते हैं कि मेरे दोस्त इस बारे में क्या कहते हैं। थैंक यू। क्या तुम कुछ खाओगे? मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी। अब मुझे इसे हराने से कोई भी नहीं रोक सकता भैया। आप बस मेरे साथ रहिएगा। मुझे पता है तुम लोग उसे हरा सकते हो, बस मुकाबला करते रहो। हाँ डोरियो को, अगर मैं होता तो जीत जाता। सारा है मेरी डोरियो को फायर बढ़ती जा रही है। डोरियो को मैन और विक्ट्री मैन ये दोनों एक साथ क्यों लड़ रहे हैं? पता नहीं क्या होगा, लेकिन चलो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं केले खाता हूँ। आऊं। मुझे लगता है हमारी दोनों योद्धा बहुत अच्छे से लड़ रही हैं और वो पक्का जीत जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, हमारी जीत होगी और उनकी हार।
अपने खास पावर का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तैयार है ना? क्या इसका मतलब है कि डोरियोको मैन के पास कोई और भी ताकत है? तुम सही समझे। ये आखिर करना क्या चाह रहे हैं? अब तुम नहीं बचोगे। तुम्हारी कोई भी पावर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। बेचारे नादान है। डोरियोको मैन, मैं भी तुम्हारी पावर को देखना चाहता हूँ। तो तुम मुकाबले के लिए तैयार हो? मुझे नहीं लगता ये इतनी भारी स्लीपर के साथ मुकाबला भी कर पाएगा। क्या कहा? इन स्लीपर्स को तो पहन के तुम दो कदम भी नहीं चल सकते। पावर मैन जीतेगा। क्या कहते हो? डोरियोको मैन जीतेगा। तो दोस्तों, इस खेल में रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। अब बस भी करो। ये मेरे फेवरेट मोमोज हैं। तुम चाहो तो तुम भी खा सकते हो। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि खाने के बाद डकार लेना बहुत बुरी बात है। ऐसा मत किया करो। माफ कर दो, मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। बढ़िया डोरियोको मैन, इनकी हिफाजत करेगा सुपरस्टार मैन। मैं आया। नाइस कैच। अरे उनका वजन इतना ज्यादा था कि सुपरस्टार मैन जमीन में धस गया। हाँ, मुझे नहीं पता था कि ये स्लीपर्स इतने भारी भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ से निकालो, कोई सुन रहा है क्या? अभी कुछ देर पहले जब मैं स्लीपर्स को विनिंग बैनर से बांध रहा था, तुम बहुत लापरवाह हो। हमें किसी भी लड़ाई में एक रणनीति की जरूरत पड़ती है, समझे तुम? हमें इन स्लीपर्स का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा डोरियोको, है ना? हाँ भैया। अब ये ठीक है? अरे नहीं, शायद मेरे विनिंग बैनर से बंधे होने की वजह से ये इतनी भारी हो गई हैं। जब तक तुम वहाँ पर हो, हम लोग जाकर कुछ खा लेते हैं। हाँ, चलो। हमें दो प्लेट नूडल्स चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? इन स्लीपर्स के इतने मजबूत होने के पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि मैंने इसे बनाने के लिए बहुत सारे पनीर का इस्तेमाल किया था, और इनका वजन है पूरे 60 किलो। इन स्लीपर्स को बनाने के लिए मुझे कई साल लग गए, और अब तुमने इन्हें तोड़ दिया, वो भी मेरे सामने। मैं अब तुमसे लड़ूंगा इन स्लीपर्स के बिना। इसमें तो तूफान शुरू कर देता है। मैं तोड़ जाऊंगा। अरे खाओ ना। ये बहुत ही कमाल की किक थी। इस किक की वजह से स्टेडियम दो हिस्सों में बट गया। चलो मैं फिर से इसे एक बार जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल से ये इससे जुड़ जाएगा। क्या तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दे सकते हो? सिर्फ जमीन ही तो जोड़ रहा था। स्लीपर्स हो या ना हो, डोरियोको अपनी किक से सबको हरा देगा। अरे ये चीज तो मैं पहले भी देख चुका हूँ। उसकी किक की वजह से एक बार पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई थी। डोरियोको किक। तो ये है डोरियोको मैन का कमाल। अरे पैसा पैसा, लकी हो गया मैं। लकी 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 डांस। सुनो डोरियोको मैन, अब अपने किक का कमाल दिखाओ और अपने दुश्मनों को धूल चटाओ, समझे? क्यों नहीं मास्टर, देखिए मेरा कमाल। उसकी किक की वजह से होगा ये कि मेरे पास बहुत सारा पैसा उड़ के आ जाएगा।
ओए पाजी फिर से तूफान आ जाएगा। डरियो को मैन सुनो। तो शुरू करे पावर मैन। ना समझ, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था तुम्हारी इन किक्स और पंचेस से मुझे कुछ नहीं होता, कोई और ट्रिक आजमाओ। ऐसा क्या? इसको कोई और ट्रिक आती भी है? नहीं, लकी मैन वहाँ क्या कर रहा है? अरे वाह, पैसा पैसा, ओए ओए, पैसा पैसा, मजा आ गया, पैसा पैसा, पैसा पैसा, अरे ये तो पूरा का पूरा पर्स आ गया। डोरको मैन लड़ते रहो। क्या हुआ, तुम्हारे पास कोई और ट्रिक नहीं बची? जरा ये बताओ तुम इतना कांप क्यों रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें इतनी जोर से डोरियो को किक मारी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये किक कमाल की थी डोरियो को। सच में भैया? इस तरह की किक से ही तुम ये मुकाबला जीत जाओगे। भरोसा करो, मेरा तजुर्बा कहता है कि तुम ही ये मुकाबला जीतोगे। विक्ट्री मैन, तुम ये कैसे बता सकते हो कि आगे क्या होने वाला है लड़ाई में? असल में दोस्तों, मैं एनालिस्ट होने के अलावा और भी काम करता हूँ। मेरे पास 4 घर हैं जो कि मैं किराए पर देता हूँ। क्या तुम काम के वक्त सिर्फ काम नहीं कर सकते हो? मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। मुझे ही पड़ गई। तो दोस्तों, आप में से जो भी इंटरेस्टेड हो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है और घर देख सकता है। पर भैया, खुद पर भरोसा करो डोरेयुकु। तुम आखिर मेरे भाई हो, जब मैं ही कभी नहीं हारा तो तुम कैसे हारोगे, बताओ मुझे। हाँ, ये तो भैया ने सही कहा, लेकिन मैं एक चीज तो भूल ही गया, और वो है पहला मेरा जोश, दूसरी मेरी ताकत, 3 और 4 से मुझे मतलब नहीं, 5वीं मेरी हिम्मत। मैं हूँ डोरियो कुमैन। आप तुम नहीं बचोगे। डोरियो को केक। तुम हार क्यों नहीं मान लेते? मुझे गुदगुदी हो रही है। अगर तुम थक चुके हो तो मैं तुम्हें दिखाऊं कि मुकाबला कैसे करते हैं। क्या तुम तैयार हो? मेरे पैरों में इतनी कमजोरी। इतना सोचने की जरूरत नहीं है पावर मैन, ये सारा कमाल मेरी ताकत का है, जिस ताकत को मैंने तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से तुम्हारे घुटने में दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके तुम बच जाओगे? इससे पहले मैं तुम्हें हराऊं, हार मान लो। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। तो ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हारी टांगों को बेकार कर दूंगा और उसके बाद मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन हारेगा। मेरे पास इतना सारा पैसा जमा हो गया है लेकिन यहाँ पर कोई बैंक है ही नहीं, मैं तो अमीर होता जा रहा हूँ। अरे वहाँ पर भी एक नोट है। बस आप थक गई होंगी, आराम क्यों नहीं करते? यहाँ पे जो भी होगा मैं आपको बाद में बता दूंगा, चिंता मत कीजिए। माफ करना। हेलो, क्या हुआ? रास्ता भूल गया था। तो तुम ही हो लकी मैन? अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मारने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी बहुत तारीफ सुनी है मैंने। अचानक कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। लकी मैन का सामना हो रहा है मिस्ट्री मैन से। दूसरी तरफ लड़ाई के मैदान में आमने सामने हैं डोरियोकू मैन और पावर मैन।
अब देखना ये है कि क्या लकी मैन की टीम जीत पाएगी। बात है इसकी खास बड़ी, भाग्य की रेखा है लंबी।